ओह नो सर, हुसैनी ब्रिज वाला एक सीन हो चुका है अभी। उप्स यार, इसलान ये डेंजरस ना हो यार। व्हाट्स अप एवरीबडी, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है कोटली सत्यां से, क्योंकि कोटली सत्यां तक जो रास्ता है वो मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने रास्ते में व्लॉग नहीं किया। तो हम व्लॉग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कोटली सत्यां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लान आज का ये है कि यार हम लोग जा रहे हैं आज गंगा चोटी वाली साइड के ऊपर, और इट्स 10:30 इन दी मॉर्निंग। हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे, बस अभी नाश्ता किया हमने कोटली सत्यां वाले बाज़ार में, और अब इंशाल्लाह जो है गंगा चोटी के ऊपर जाके हम लोग स्टॉप करेंगे। होपफुली हम लोग जो है 1-1.5 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इन केस अगर रास्ता बिल्कुल क्लियर रहता है, क्योंकि आज मौसम काफ़ी फॉगी है और बारिश के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर बारिश रास्ते में तेज़ होती है फिर डेफिनेटली हमें कहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग जो अपना टारगेट उसको अचीव कर लेंगे। सुबह जब घर से निकले थे तो हमारे घर वाली साइड पर इस्लामाबाद में तो बारिश काफ़ी हो रही थी, लेकिन अभी कोटली सतिया में ये है कि फ़िलहाल रोड्स भी बिल्कुल क्लियर हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी ये है कि बारिश नहीं हो रही। अगर गंगा चोटी तक ऐसा ही मौसम रहता तो यार दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप होगा। मौसम आज बहुत खूबसूरत है। दो ऑप्शन थे हमारे पास, एक तो हम एक्सप्रेस वे से जा सकते थे और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये कोटली सत्यां वाला रूट था। ये रूट हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, एक्सप्रेस वे पर स्पीड थोड़ी ज़्यादा और ये शॉर्टेस्ट वे भी है। जो एक्सप्रेस वे वाला रूट है वो लॉन्ग भी है और उसके ऊपर ये व्यूज़ भी आपको नहीं मिलता जो इस रूट के ऊपर मिलते हैं। इस रोड को अगर एक्सप्रेस वे से कंपेयर किया जाए तो ये रोड काफ़ी बम्पी है, लेकिन अगर आपके पास बाइक्स अच्छे हों तो फिर ये रोड जो आपको इतना तंग नहीं करती। आज की राइड में जो मेरे साथ फेलो राइडर है वो अरसलान है। अरसलान को आप अक्सर मेरे साथ राइड्स पे आप देखते रहेंगे। हम लोग पहले भी राइड्स काफ़ी करते थे, लेकिन पहले इतनी ब्लॉगिंग का सीन नहीं था, तो अब ये है कि अरसलान आपको मेरे साथ अक्सर राइड्स पे नज़र आएगा। बाय द वे, अरसलान और मेरे पास बाइक भी सेम है, तो हम लोग राइड पर काफ़ी ईजी रहते हैं। यहाँ से रोड थोड़ी ख़राब है यार। अभी लास्ट हमने कोटली सतियां वाले बाज़ार के अंदर चेक किया था कि हमें कितना टाइम लगेगा, वहाँ से अराउंड 350 किलोमीटर्स थे और मैप जो है वो हमें 3.5 घंटे शो कर रहा था। अभी अगर मैप 3.5 आवर्स बता रहा है तो फिर मोर और लेस 4 घंटे तो हमें लग ही जाएंगे। यहाँ पे लगता है कि सुबह बारिश हुई है। अगर आप कोटली सतियां वाले रास्ते से कश्मीर आते हैं तो फ्यूल का यहाँ पे इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर 10-15 किलोमीटर के बाद आपको पंप मिल जाएगा। यहाँ तक का जो रूट है कोटली सतियां वाली रोड से आप सीधा आते हैं, तो अभी तक हम लोग उसी रोड के ऊपर बिल्कुल सीधा आ रहे हैं। कोटली सतियां वाला बाज़ार हमने अभी क्रॉस किया है और कहीं पर भी आपने टर्न नहीं लेना। अब आगे जैसे जैसे जहाँ पे रास्ता आएगा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कहाँ से टर्न लेना है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं कोटली सतियां वाली रोड के ऊपर। यहाँ पे रोड काफ़ी स्मूथ है, वरना पीछे हमने काफ़ी असेंड भी किया और डिसेंड भी किया है, लेकिन यहाँ पे रोड काफ़ी स्मूथ चल रही है।
अगर आपने व्यू इन्जॉय करना है तो ये रूट मेरे हिसाब से बेस्ट है। यहाँ पे ये है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि टर्न्स काफ़ी शार्प हैं तो आपको ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप व्यू के हिसाब से देखें तो दिस इज़ द बेस्ट रूट। इस रोड पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि मैंने देखा काफ़ी जगहों के ऊपर जो है वो जो घर हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बस ये कंस्ट्रक्शन ज़रूर करें, लेकिन अगर इस जगह की ये लोग खूबसूरती को ख़राब नहीं करते तो फिर डेफिनेटली ये जगह काफ़ी खूबसूरत रहेगी। यार कितने मज़े का रूट है। इस रोड का एक फ़ायदा ये है कि पिट स्टॉप अगर आपने करने हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हर 10-15 मिनट के बाद कोई ना कोई स्टॉप या छोटा सा बाज़ार आ जाता है, तो अगर आप लोगों ने स्नैक्स वगैरह परचेज करने हो तो यू कैन बाय फ्रॉम देम। इस रूट पे आपने ओवर स्पीड का काफ़ी ख्याल रखना है क्योंकि टर्न्स यहाँ पे बहुत शार्प हैं, तो अगर आप लोग ओवर स्पीड करेंगे तो डेफिनेटली फिर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। गंगा चोटी तक अगर सेम ऐसा ही मौसम रहता तो मैं कहता हूँ आज तो ट्रिप का बहुत मज़ा आने वाला है। वेदर इतना अमेजिंग हुआ हुआ है यार कि अभी ना तो सर्दी लग रही है और ना ही गर्मी, बिल्कुल मॉडरेट सा टेम्परेचर है। लास्ट टाइम हम लोग इस रूट से पत्रियाटा गए थे तो पत्रियाटा तक तो ये रोड बिल्कुल ठीक है। अभी आई डोंट नो आगे रोड की क्या सिचुएशन है, अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि रोड की आगे कंडीशन कैसी है, लेकिन होपफुली अभी तक जैसा रोड मिला है मुझे लग रहा है कि गंगा चोटी तक जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर है। आज के इस टूर में अगर हम लोगों को ऑफ रोडिंग कहीं पे मिल गई तो मैं कहता हूँ सीन बहुत गुड हो जाएगा। माशाल्लाह यार क्या व्यू है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। बस इसी व्यू के लिए तो हम लोग इस रास्ते को हम लोगों ने चूज़ किया था। क्या व्यू है यार। अभी ये ब्रिज हम लोगों को एक नज़र आया है, ये साथ ऊपर उन्होंने कंक्रीट का ब्रिज बनाया है और ये जो है ये पुराने वाला ब्रिज है। अभी इस पे जाके देखते हैं कि हम लोग अगर बाइक यहाँ से पास कर सकते हैं तो फिर तो डेफिनेटली हम जाएंगे। ओह नो, बाइक तो हम लोग नहीं लेके जा सकेंगे क्योंकि इसकी हालत ही ऐसी है, लेकिन हम लोग वैसे विज़िट कर सकते हैं इसको। सर हुसैनी ब्रिज वाला एक सीन हो चुका है अभी।
बाग में भी हम लोग राइड कर रहे हैं और बाग का टेम्परेचर यार मतलब इस टाइम पे तो गर्मी है, मुझे टू बी ऑनेस्ट इस टाइम मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पे। मतलब बाग का टेम्परेचर तो यहाँ पे इतना ठंडा नहीं है, लेकिन बाग से हम लोग जैसे ही सुदन गली और गंगा चोटी वाली साइड पे ऊपर मूव करेंगे, एलिवेशन गेन करेंगे, देन फिर यह है कि मौसम थोड़ा अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि कोटली सतिया वाली साइड से हम लोग आए थे, वहाँ पर भी काफ़ी मौसम अच्छा था, फिर जब हम बाग पहुँचे हैं तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी है। अब दोबारा एलिवेशन गेन करेंगे तो फिर थोड़ा जो है ना वो सर्दी वाला सीन ऑन होगा। सो फार प्लान स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा है और सारे रास्ते में अभी तक कहीं पे भी बारिश नहीं हुई, धूप भी बिल्कुल नहीं है, इस वजह से राइड का आज बहुत मज़ा आ रहा है। बाग से हम लोगों ने जैसे ही गंगा चोटी वाली साइड के ऊपर मूव किया तो ये रोड काफ़ी खूबसूरत है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ यार यहाँ से कहीं से फ्रेश फ्रूट मिल जाए तो यह है कि हम लोग ले के फिर ऊपर गंगा चोटी जाएं। व्हाट अ व्यू यार। यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है और मैप भी हम लोगों ने ऑफलाइन जो है वो लोड नहीं किया था, इस वजह से जो है ना रास्ते हम लोगों को बीच बीच में पूछने पड़ते हैं यहाँ के लोकल से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार बीच में काफ़ी ऑफ रोडिंग होगी, लेकिन जब से हम लोग चले हैं अभी तक कोई भी ऑफ रोड पैच आया ही नहीं है, तो इट्स गुड कि इन्होंने ये पूरी रोड बनाई हुई है यार प्रॉपर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग कश्मीर, लेकिन जिस रास्ते से अभी हम लोग राइड करके आए हैं टोटली वर्थ इट यार यहाँ पे आना। यार ये बहुत डेंजरस है, यहाँ पे लोग डबलिंग इवन तीन तीन लोग भी बैठ के जा रहे हैं और ना इन्होंने कोई गियर पहना हुआ है ना इनके पास हेलमेट है, तो दिस इज़ नॉट गुड यार। एटलीस्ट आपको अपनी सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आई गेस सुदन गली हम लोग पहुंचने वाले हैं 25-30 मिनट्स में हम लोग सुदन गली होंगे। ये रोड काफ़ी मज़े की है यार, यहाँ के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और अब यहाँ पे वेदर भी बहुत मज़े का हो गया, हल्की हल्की ठंड लग रही है अब, बट इट्स गुड। ओह पुअर डॉग, इस बेचारे को लगता है किसी गाड़ी ने या किसी बाइक वाले ने मारा होगा तो इस बेचारे की टांग टूट गई है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे और फिर धन सुदन गली से ऊपर गंगा चोटी तक हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे कवर।